नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता स्टेप्स में आप सबका स्वागत है। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कुछ सिखाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि मैं अभी लॉकडाउन में हूँ तो बहुत अपना समय को मैं यूटिलाइज कर रही हूँ। मैं घर का काम भी कर रही हूँ और बहुत एक्स्ट्रा काम भी कर रही हूँ। मेड को तो अलाउ नहीं है घर के अंदर आना, तो मैं मेड को भी नहीं बुला रही। मेड का भी काम कर रही हूँ, कुकिंग भी कर रही हूँ, उसके साथ में रात भर में बैठ के कुछ कुछ आइटम बना रही हूँ। जो मेरे पास मटेरियल है उनसे मैं बंदरवाल और माला वगैरह बना रही हूँ। तो मैं तो अपना समय बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही हूँ और आप लोग भी क्या करिए। और साथ में मैं पूजा पाठ भी करती रहती हूँ, मेरी थोड़ी आदत है। तो आज मैं आप लोगों को एक मोती के बेस के ऊपर की माला बताने जा रही हूँ कि वो कितना इजी होता है माला बनाना। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वो डिफिकल्ट नहीं होती है। माला और बंदरवाल दोनों ही मैंने बनाई है मोती के बेस के ऊपर में। तो फिलहाल तो मैं आपको माला के बारे में बताऊंगी कि आप किस तरह माला बनाओगे, उसके बारे में बता रही हूँ कि आपको मोती का बेस लेना है और उसके ऊपर में किस तरह आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। बहुत इजी है, आप देखोगे तो आधे घंटे में यदि आपके पास मोती का बेस है तो आप बहुत जल्दी इसको बना लोगे। मोती का बेस आप घर पे बना सकते हो, नहीं हो तो आप बाजार से रेडीमेड भी ला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मोती के बेस के ऊपर में आप किस तरह माला बना सकते हैं। यदि प्लीज अच्छी लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। तो चलिए देखते हैं मोती की माला कैसे बनाते हैं। आज मैं ये श्याम बाबा के लिए फिर से एक माला बनाने जा रही हूँ। ये बूटे हैं और ये मोती की लड़ी है और ये लेस है। इन सबको मिला के मैं एक माला बनाऊंगी, फिर बनाने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ कंप्लीट करने के बाद कैसी बनी। ये जिस तरह के ये मैंने काफ़ी बड़ी वाली माला बनाई है, इसको आप छोटे में भी बना सकते हो। जैसे ये बड़े मंदिरों में चढ़ाई जाती है वैसे माला है और ये बहुत सिंपल एंड बहुत ही सोबर है। पास से दिखाऊंगी तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी आप लोग को। तो ये मैं आपको बहुत ईजी वे से बता देती हूँ किस तरह बनती है। आप इसी पैटर्न में थोड़ा दिमाग लगा के और भी कई तरीके की चीज़ों से बना सकते हो आप इसको। जैसे ये मोती का बेस है जो कि इस तरह की लड़ी ये मार्केट में अवेलेबल होती है। आप घर में भी इसको बना सकते हो। यदि आपको मोती की पुआई करनी आती है तो आप इस तरह की ये पुआई कर सकते हो, या फिर ये रेडीमेड भी मिल जाती है बाज़ार में तो आप रेडीमेड भी ला सकते हो। अब जैसे इसमें मैंने ये साइड में फ्रिल लगाई है तो ये इस तरह की फ्रिल आती है मार्केट में, फ्रिल वाली लेस बोलने से वो लोग दे देते हैं और बहुत ही ईजीली मिल जाती है ये भी। तो इसको मैंने इस तरीके से वन साइड पीछे की साइड से इसको लगाया है मैंने इस तरीके से, और ये भी ग्लू स्टिक से लगाया है। ये फेविकोल से नहीं चिपकेगी। और जो पहले फिर उसके बाद मैंने ये वाली बॉर्डर लगाई है, ये जो कि ये डोरी है, ये भी एक फैंसी डोरी है। आप इसके सेम नहीं मिले तो मैचिंग के आप कुछ भी डोरी ले सकते हो। इसको भी मैंने ग्लू स्टिक से इस तरीके से लगाई है, इसके चारों तरफ इस तरीके से, चारों तरफ नहीं, वन साइड ये लेस लगाई है मैंने और एक साइड ये फ्रिल वाली लगाई है। उसके बाद इस तरह का एक ये बूटा है मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने ये लगाया। यदि आपके पास सेम ना हो तो आप कोई और बूटा भी ले सकते हो, कोई भी तरह की बूटा हो, बूटी हो, जो आपके चॉइस हो वैसा आप ले सकते हो। डिपेंड करते हैं कि आपने बेस क्या लिया है। आप जैसे मोती की माला लियो तो मोती की माला की जगह आप कोई भी बॉर्डर भी ले सकते हो, गोल्डन बॉर्डर या प्लेन लेस ले सकते हो जिसके ऊपर मतलब इस तरह की कोई भी बूटी रखे तो खिले, इस तरह की आप बूटी ले सकते हो। तो ये बूटी लगाई है मैंने यहाँ पर, ये बूटी जैसे मैंने यहाँ पे चारों तरफ दोनों साइड में लगा दी है जितने मेरे को लगानी थी। और उसके ऊपर मैंने फिर डेकोरेट करने के लिए इस बूटी का इस्तेमाल किया है। ये भी बूटी बाज़ार में मिल जाती है, सेम तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि काफ़ी साल पहले की मेरी परचेस की हुई है। तो कोई भी तरह की बूटी जो इस पर खिलती हो, मुझे ये वाली इस पर खिलती हुई दिखी तो मैंने ये लगा दी। आप इसकी जगह चाहो तो स्टोन भी लगा सकते हो या कुछ भी, और इसके बेस में कुछ खिलता हो लगा सकते हो। यदि ना हो कुछ भी तो आप इसको प्लेन भी यदि लगाते हो तो प्लेन भी ये उभर कर ही आता है।
और ये मैंने थोड़ी बड़ी माला बनाई है, और इसका मैंने थोड़ा यहाँ पे पॉइंटेड नहीं करके थोड़ा सा अलग लुक दिया है, थोड़ा सा स्क्वायर में दिया है, क्योंकि मैं जिस मंदिर के लिए बनाई हूँ, मैं अपने घर के मंदिर के लिए बनाई हुई है, तो मुझे ये थोड़ा नया लुक देना था, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट में दिया है, पॉइंट लटकर नहीं दिया, उससे मेरे को थोड़ा सा उस तरह की माला मेरे पास बहुत है, तो ये मैंने थोड़ी नया डिज़ाइन दिया है। तो इसको तैयार करने के लिए ये दो जैसे लड़िया, ये जो दो मोती की जो लड़िया थी ये मैंने अलग से रखी, और इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए मैंने इसके पीछे में एक कोई भी तरह का लेस या बॉर्डर कुछ भी लगा दिया है। आप चाहो तो बकरम भी लगा सकते हो, या कोई भी लेस से बेस तैयार करने के लिए आप इसको जैसे दोनों को ज्वाइंट कर सके वैसे आप लगा सकते हो। और उसके बाद उसके ऊपर में जैसे ये सेम बूटी मैंने यहाँ पे भी लगा दी है, यहाँ पे लगा दी है, और बीच में एक थोड़ा डिफरेंट दे दिया बूटा, ताकि इसका लुक थोड़ा और ज़्यादा अच्छा आ सके। और ये बूटियाँ भी लगाई है, और बीच में ये इस तरह की लटकन क्या है, मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, जो हम लोग ब्लाउज़ वगैरह में, घाघरा वगैरह में लटकन लगाते हैं, उस तरह की लटकन भी आप ला सकते हो, कोई भी लटकन आप ला सकते हो इसके नीचे लगाने के लिए। या चाहो यदि आपके घर में मोती वगैरह पड़ा है, तो मोती से भी आप खुद भी घर में लटकन बना के इसके लगा सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, देखने में बहुत हेवी लुक है इस माला का, लेकिन बनाने में बहुत इजी है। ये आधे घंटे में मेरी माला तैयार हो गई थी जब मैंने बनाई थी इसे। तो यहाँ से आपको कॉर्नर से स्टार्ट करना होगा, एक साइड में आपने फ्रिल लगाई है, और यदि आपके पास ऐसे, मेरे पास तो एक्चुअली और थी नहीं, लिमिटेड थी, अभी मैं लॉकडाउन में ये बना रही हूँ, तो मेरे पास घर में जितना मटेरियल जो भी अवेलेबल है, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी डिज़ाइंस बना रही हूँ। तो ये मेरे पास लिमिटेड थी, तो मैंने एक साइड में ये लगाया है और एक साइड में ये लगाया। यदि ऐसे ज़्यादा रहती तो मैं इसको दोनों साइड लगाती, तो इसका लुक और भी ज़्यादा खिल के आता। वो जस्ट मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि ये लेस दोनों साइड रहने से और ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने फिर दूसरी लेस ज्वाइन करके इसको थोड़ा और डिफरेंट लुक देके इसको मैंने बना दिया है। तो ये तो बन गई हल्की फुल्की माला, मतलब देखने में लुक वाइज बहुत हेवी है, लेकिन बहुत ईजी टू मेक है ये है। और मैं आप लोगों को माला की बंदरवाल की डिज़ाइंस बताऊंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये माला भी डिज़ाइन अच्छी लगी होगी। ये काफ़ी बड़ी है, ये जैसे श्याम बाबा के मंदिर में यदि चढ़ाई जाती है तो वहाँ कम से कम इतनी बड़ी लेंथ की माला होती है। खट श्याम मंदिर में चढ़ाओ या किसी भगवान जी के बड़े मंदिर में यदि चढ़ाते तो इतनी लगती है। और मैं अपने घर के मंदिर में भी थोड़ी बड़ी माला लगाती हूँ, तो फिलहाल तो मैंने ये घर के मंदिर के लिए ही बनाई है। तो आप इसको चाहो तो आप छोटी भी कर सकते हो, जैसे आपको घर में चाहिए। यहाँ पे आपको यदि स्क्वायर, ये स्ट्रेट पॉइंट नहीं चाहिए, ट्रायंगल वाला चाहिए, तो ये दोनों कोना मिला के भी आप नीचे में कुछ लटकन लगा के उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। आई होप कि आप लोग को ये अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।